बॉलीवुड में दो अभिनेताओं को आपस में लड़ते कई बार देखा गया है, लेकिन कभी छोटी सी बात पर हुई लड़ाई हाथापाई तक पहुंच जाती है, जिस कारण एक अभिनेता दूसरे अभिनेता की पिटाई भी कर देते हैं। ऐसा ही एक बार अभिनेता अक्षय कुमार के साथ हुआ था, जब बॉलीवुड के एक सुपरस्टार ने उन्हें सबके सामने ही पीट दिया था, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार आज काफ़ी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनकी साल में काफ़ी फिल्में रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा चर्चा में बने रहते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब शुरुआत में ये सिर्फ अपने अफेयर्स को लेकर ही चर्चा में थे। उनका बॉलीवुड में काफ़ी अभिनेत्रियों से अफेयर रह चुका है, जिसमें सबसे लंबा रवीना टंडन के साथ रहा है। जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, उस टाइम रवीना फिल्म जिद्दी की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में उनके साथ मुख्य अभिनेता के रूप में सनी पाजी काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन शूटिंग के सेट पर रवीना काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, जिस कारण फिल्म की शूटिंग नहीं हो पाई। जिसके बाद सनी पाजी ने रवीना टंडन से इसकी वजह पूछी तो उन्होंने सनी पाजी को इसकी वजह अक्षय कुमार से ब्रेकअप होना बताया, जिसके बाद सनी पाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह सीधे अक्षय कुमार के पास चले गए और उन्होंने बिना अक्षय को पूछे वहीं उन्हें पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद सनी पाजी के अफेयर से रवीना का नाम भी छोड़ा गया। तो आपको सनी देओल की इस तरह अक्षय कुमार की पिटाई करने के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए।